Hello friends, I welcome all of you to this Indian Polity class. This class will be bilingual, both Odia and English, because many students they want English and many students they want Odia also. So I thought that I should speak in both Odia and English. Today we'll be discussing the first chapter of Indian Polity. You can see here, this is Indian Polity. If you have Indian Polity 6th edition, it's okay. Or you have 5th edition, 4th edition, it's also okay. Everything is same, right? So, only difference in edition, but same thing you'll find in 5th edition, 4th edition. Only few chapters added. आपण मानक समस्त को स्वागत लेसन को आज हमें इंडियन पॉलिटी प्रथम चैप्टर डिस्कशन करिबा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये हूँ प्रथम क्लास इंडियन पॉलिटी मु भावुँ आपण मैंने एंजॉय करेंगे आपण मान पाखे जदि पॉलिटी बही ना आपण ताको परचेज करदे जहाँ पाखे पॉलिटी बही अच्छी किसी असुविधा ना मु दुई जनक पढ़ाऊँ जहाँ पाखे पॉलिटी बही अच्छी आखिर पॉलिटी बही ना से जमी एक बुझीपारे मध्य मु ध्यान रखिकी डिस्कशन करी तो प्रथम कथा जे पॉलिटी क्यों क्यों चैप्टर पढ़े एवं कौटा छाड़े सेमी देखा गले पखापाखि 70-80 चैप्टर्स नियर अबाउट 80 चैप्टर्स अच्छे कौटी एम लक्ष्मीकांत आपण को जदि समय अच्छी सब पढ़ीदे तो भल मु कह किंतु स्ट्रैटेजिकली 20-25 चैप्टर हेले आपणकर सफिशिएंट एग्जाम आपण क्लियर हो ठीक है पर आप ज्ञानी हो पारे किंतु एग्जाम 20-25 चैप्टर आपणकर हो द फर्स्ट चैप्टर टुडे विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आज हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड विषय डिस्कसन करवा ये चैप्टर जो अच्छे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोथ पॉलिटी जाऊँ आउ हिस्ट्री भी जाऊँ माने ये चैप्टर आरंभ करिया पूर्व मु आपन कहिया चाहूँ दिस चैप्टर इज रिगार्डिंग हाउ ब्रिटिश केम टू इंडिया हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू इंडिया एंड हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड बिजनेस एंड स्लोली स्टेडिली हाउ दे ruled India for more than 200 years, right? तो आम चैप्टर डिस्कशन करवा केमिति भारत को इंग्रेज मैंने आसिले ईस्ट इंडिया कंपनी आसला एवं बिजनेस कला ट्रेड कला बेपार वणिज्य कला एवं धीरे धीरे पैसा अर्थ दौलत धन बढ़िया फल केमिति भारत वर्ष को शासन कला ता विषय आलोचना कर ये चैप्टर दुईटा पार्ट्रे डिवाइड ये चैप्टर दुईटा पार्ट्रे डिवाइड फर्स्ट पार्ट इज कंपनी रूल माने ईस्ट इंडिया कंपनी रूलिंग पार्ट आउ गोटे पार्ट हूँ ब्रिटिश माने क्राउन रूल किसी व्यस्तवार ना इजी टॉपिक आराम से शुणु ध्यान सहकारे शुणु जहाँ भी न आसब मत कमेंट बॉक्स रे लिखिपर मोर नंबर भी अच्छी आप व्हाट्सएप करि परिबे किछि असुविधा नै ध्यान से सुनिबार अछि कथा होउछि जे ये चैप्टर दुईटा पार्ट रहिछ गोटे पार्ट होउछि आपणकर कंपनी रूल आ गोटे पार्ट होउछि क्राउन रूल माने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स वन इज कंपनी रूल एंड नेक्स्ट इज क्राउन रूल कंपनी रूल कौन आउ क्राउन रूल कौन मुझे कही रखुच कंपनी रूल हूँ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी आमको शासन जो कर 1773 मसीह 1857 मसीह पर्यंत पुणि थे कौच 1773 मसीह 1857 मसीह पर्यंत माने सिपाही विद्रोह पर्यंत सिपाही विद्रोह 1857 रही तो 1857 पर्यंत जो शासन कर
সেই পিরিয়ডকে কোহাযায় কম্পানি রুল। আউ 1857 পরে 1858 1947 আমি যে স্বাধীনতা হাসল কলে সে পর্যন্ত শাসন কু কোহাযায় ইংরেজ মানকর শাসন কোহাযায় ক্রাউন রুল। কাহিঁকি কোহাযায় ক্রাউন রুল? তার কারণ হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডাইরেক্ট শাসন করুথলা আমকু, সেথিপাইঁ তা না হচ্ছে ক্রাউন রুল। মানে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ডাইরেক্টলি রেসপন্সিবল থিলা শাসন করিয়া পাই ভারতক, সেইটা 1858 1947 তা কোহাযায় ক্রাউন রুল। আর প্রথম পয়েন্টটা হচ্ছে 1773 আপনার 1857 পর্যন্ত সি হচ্ছে আপনার কোম্পানি রুল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি রুল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে শাসন করলে। তবে ইয়ে দুইটা মু প্রথমে কোম্পানি রুল বুঝাইবি, তারপরে আপনার ক্রাউন রুল বুঝাইবি। হয়ে তো ইয়ে ভিডিও টিকে বড় হয়ে পড়ে, যদি বেশি বড় হুয়ে মু দুইটা পার্টে ডিভাইড করবি, কিন্তু বর্তমান পাই চালু কেত বাট যাচ্ছি তো দুইটা পার্টে যদি হব করবি, নচে এই গোটে পার্টে আপনার চেষ্টা করি সারিবা পাই বুঝাইবা পাই। আমি কোম্পানি রুল জানিলে 1773 1857 এবং 1858 1947 হচ্ছে ক্রাউন রুল। কিন্তু আপনার কহাপাই চাহুচি এ কোম্পানি রুল ক্রাউন রুল পূর্বরু কেতক ইম্পর্টাণ্ট কথা আছে, তাকে আমি আলোচনা করিয়া। প্রথমে আপনার চিন্তা করতু, ব্রিটিশ মানে কেবে ভারতকে আসলে? ব্রিটিশ কেম টু ইন্ডিয়া ইন 1600, অর সিম্পলি ইউ ক্যান সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কেম টু ইন্ডিয়া ফর ট্রেডিং পর্পোজ ইন 1600। দি এম অ্যান্ড অবজেক্টিভ অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ টু ডু বিজনেস অনলি। ইন দ্য ইনিশিয়াল স্টেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওয়াজ সোললি ফোকাসিং অন বিজনেস বিজনেস বিজনেস, ট্রেড ট্রেড ট্রেড, ট্রেড কমার্স ট্রেড কমার্স। অ্যান্ড গ্রাজুয়ালি হোয়েন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিকেম ভেরি ওয়েলদি, দে স্টার্টেড টেকিং ব্রাইবস, ইনফ্লুয়েন্সিং লোকাল পিপল, লোকাল জমিদার্স, সম্রাটস, বাদশাহ, কিংস, অ্যান্ড স্লোলি স্টেডিলি দে স্টার্টেড রুলিং আস, রাইট? তো প্রথমে যেত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসিলা, সেতবে বিজনেস করিয়া পাই আসিলা। বিজনেসরে যেতবে অধিক অর্থ হেলা, ধন দৌলত বড়িগলা, সেতবে তাঙ্কর ইচ্ছা হেলা মু টিকে শাসন করন্তি। মানে মোট উপরে কহিয়া গলে 1600 মশিয়ারে সেমানে আসিলে এবং 173 বর্ষ পর্যন্ত, মানে 1600 রু 173 মিশাই দিন, 1773 এত পাটে পর্যন্ত 173 বর্ষ পর্যন্ত সে খালি বিজনেস করুলে, টিকে টিকে ইনফ্লুয়েন্স করুলে, ভারি ইচ্ছা থাকে শাসন করা, টিকে টিকে শাসন করা প্লান করুলে। কারণ আপনার কহাপাই চাহুছি 1757 যে পলাশি যুদ্ধ হয়েছিল, বুঝিপারছেন? 1757 যে পলাশি যুদ্ধ হয়েছিল, ব্যাটল অফ প্লেসি কহতি, সেবেঠার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি টিকে মজবুত হল, মানে শাসন করা রেডি হল। ইয়ে কথা কিন্তু ব্রিটিশ পার্লামেন্ট জাঁ নাই। দি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কেম টু নো ইন 1773 দ্যাট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইজ ডুইং বিজনেস আজ ওয়েল অ্যাজ সম সর্ট অফ আডমিনিস্ট্রেশন, বিজনেস সহ কিছু আডমিনিস্ট্রেশন বি সে করছে, কিছু শাসন কাম করছে। হোয়েন ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কেম টু নো অল সর্টস অফ থিংস অফ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, দে এনাক্টেড ওয়ান আক্ট। যেতবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জাঁয়া পাইলা যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে যাইছি, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যে যাইছি ভারতকে, সে কেবল বিজনেস করুনি, তা সহিত সে কোণ করুছি, তা সহিত সে কিছু না কিছু শাসন কার্য কলাণি। তো মো কয়ার অর্থ হচ্ছে যদি শাসন কার্য কলাণি, তাকে ইয়ে করিবা পাই কোন তা কুহতি আপনার রেগুলেট করিবা পাই গোটে আক্ট বাহার কলে। কোন বাহার কলে? গোটে আক্ট বাহার কলে। আপনার জানন্তু সে আক্ট না হচ্ছে, সে আক্টর না হচ্ছে আপনার রেগুলেটিং আক্ট। টিকে বুঝার চেষ্টা করুন, কিছু না, সিম্পল কথা। 1600 মশিয়ারে আসলে 1773 পর্যন্ত সে বিজনেস সহ টিকে টিকে শাসন করুলে। যেতবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জাঁয়া পাইলা, সে গোটে আইন প্রস্তুত কলা, যার না হচ্ছে রেগুলেটিং আক্ট। এই রেগুলেটিং আক্ট আমি এবে যে পড়িবা, এউঠু আরম্ভ হয়ে গেল কোম্পানি রুল।
1773 आरंभ होगा 1857 पर्यंत बुझिपार्चन कथा 1773 गोटे आक्ट आसला रेगुलेटिंग आक्ट 1784 गोटे आक्ट आसला पिट्स इंड आक्ट 1833 आसला चार्टर आक्ट 1853 आसला चार्टर आक्ट 53 पर तो 1858 हो तेणु माने रेगुलेटिंग आक्ट 1773 आम डिस्कसन करिया कंपनी रूल रे 1784 पिट्स इंड आक्ट मध्ये डिस्कसन करिबा 1833 चार्टर आक्ट डिस्कसन करिबा 1853 मध्ये चार्टर आक्ट आम डिस्कसन करिया व्हाट आई मीन टू से दैट वी विल डिस्कस इन द कंपनी रूल 1773 रेगुलेटिंग आक्ट देन वी विल डिस्कस पिट्स इंड आक्ट 1784 नेक्स्ट वी विल डिस्कस चार्टर आक्ट 1833 एंड फाइनली वी विल डिस्कस 1853 चार्टर आक्ट इन कंपनी रूल वी हैव फोर इंपॉर्टेंट एक्ट्स ओके वी हैव नंबर ऑफ एक्ट्स बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज फोर एक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट पीट्स इंडिया एक्ट चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1853 वी विल डिस्कस दिस फोर एक्ट्स इन डिटेल्स यू हैव टू कीप लिटिल पेशेंस बिकॉज इन द बिगिनिंग यू हैव टू बी वेरी पेशेंट सो दैट यू कैन लर्न व्हाट एवर दे आर इन दिस लेसन तो कथा हूँ ये कंपनी रूल रे चारोटी आक्ट अच्छी 1773 प्रथम आम डिस्कसन करिबा तापर 1784 डिस्कसन करिबा तापर 1833 आ 1853 चारिटा आक्ट डिस्कसन करिबा प्रथम मु डिस्कसन करूची 1773 आक्ट 1773 आक्ट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग आक्ट यू पीपल मे बी थिंकिंग व्हाई दिस आक्ट इज कॉल्ड रेगुलेटिंग आक्ट एमिति कौन कथा अच्छे 1773 आक्ट रेगुलेटिंग आक्ट करागला देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट चिंता कला ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन करुच्छे करू किसी असुविधा ना नो इश्यू वेरी नाइस आमुक तो टैक्स दौचे आमुक तो सब कथा बुझुचे शासन करू किंतु ताको रेगुलेट करियार अच्छे जब रेगुलेट न करा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी रो जो ऑफिसर्स थिले जो पद अधिकारी थिले जो गवर्नर थिले बा गवर्नर जनरल आगू थिले से माने लुटी नौचंती एक तो भारत को लुटुथिले एक्सप्लोइट करुथिले ऊपर से कंपनी भितर जे थिले से मध्ये प्राइवेटली किछि ब्राइब गिफ्ट सुना रूपा गोल्ड वेल्थ ऑर्नामेंट से माने तां घर को नौथिले आज भी करप्शन अछि ऑफिसर माने भल भी अछन खराब भी अछन करप्शन करछन ऑनेस्ट भी अछन करप्ट भी अछन तो ईस्ट इंडिया कंपनी भितर किछि करप्शन चलीथिला ताको चेक करिया पई जो एक्ट करागला ताको कहा जाए रेगुलेटिंग आक्ट ये आक्टर कौन है कौन कौन पॉइंट अच्छे आप शुण प्रथम कथा है सेंट्रलाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गला भारत वर्ष माने पावर दिया गला ईस्ट इंडिया कंपनी को सेंट्रलाइजेशन केन्द्रीभूत करागला ईस्ट इंडिया कंपनी को पावर दिया गला ठूल कर दिया गला पावर नियो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन The first step towards centralization started in this 1773 Regulating Act. आउ कौन है आउ कौन है मन रखे प्रथम पॉइंट मन रखिबे वॉरेन हेस्टिंग्स बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिफोर 1773 देयर वाज द पोस्ट कॉल्ड गवर्नर But in this regulating act, the designation changed to Governor General. Governor General of Bengal. Warren Hastings became the first Governor General of Bengal. Governor General of Bengal was the first Warren Hastings. Who was the actor? 1773 actor. Look, there was a confusion that the Governor General of India was the Governor General of Bengal was the first Viceroy of India. आमे संपूर्ण पढ़ी पर जानवा कथा मुझे एवं कहीदे फर्स्ट गवर्नर जनरल बेंगलर थे वॉरेन हेस्टिंग्स फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थी किए लॉर्ड विलियम बेंटिक आम पढ़ा 1833 आक्ट फर्स्ट वाइसराय किए थे लॉर्ड कैनिंग जोटा कि 1858 आक्ट्रे आम पढ़ा आगे पढ़ा बुझिपार्चन एवं कंपनी रूल चली तो 1773 मुझे कौन कहली जे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किए हेले
आपणकर वारेन हेस्टिंग्स आउ गोटे पॉइंट आम डिस्कशन करिबा सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लीश्ड आट कलकाटा सेतळे कोलकाता कहुथले एबे ए कलकाटा कहुथले एबे कोलकाता हे जे सो डू नॉट कन्फ्यूज सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टाब्लीश्ड सुप्रीम कोर्ट एस्टाब्लीश्ड हेला ए आक्ट रे वर्षे तो लगे ना तेणु 70-74 हो गला सुप्रीम कोर्ट सेटअप होगा आज जमी दिल्ली में अच्छे सुप्रीम कोर्ट बुझीप कथा से कोलकाता रे थिले तीन जन जज थिले आ जने चीफ जस्टिस थिले ताका ना होची सर एलिजा इम्पे आ तीन जन जज थिले दुटा पॉइंट मन रखिए गवर्नर जनरल किए बेंगल हेले वारेन हेस्टिंग्स आउ कौन है सुप्रीम कोर्ट है तीन नंबर पॉइंट मुझे कहूँ दिस रेगुलेटिंग एक्ट प्रोहिबिटेड टेकिंग ब्राइब्स गिफ्ट्स एनी काइंड ऑफ यू कैन से प्राइवेट बेनिफिट्स ये आक्ट रे कौन से प्रकार लाच कारबार किसी गिफ्ट उपहार धन एमती भारत क्या रिसीव करें करप्शन हन हाँपाई ये कर गोटे बड़ कथा रेगुलेटिंग आक्ट रे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मध्य एस्टाब्लीश करागला सेटअप कर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हूँ गोटे गवर्निंग बॉडी जमी आज भी आपण कंपनी देखु से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अच्छा डायरेक्टर मैंने रोचान डायरेक्टर मैंने रोचान से डिसीजन नौ तो आगर कौन होता ईस्ट इंडियन कंपनी मन इच्छा नहीं जाते डिसीजन गवर्नर जनरल गवर्नर नहीं जाता कि कौन हम 1773 पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब डायरेक्टर मैंने बसवे डिसीजन निया भल ना ना ये गोटे कथा आ गोटे कथा हूँ कौन मुझे कहवाई चाहूँगी ये आक्ट रे आ गोटे कथा आप देखिए बहरे ये आक्ट रे गोटे कथा जे जो आमर तीन टा प्रेसीडेन्सी अच्छे तीनोटी प्रेसीडेन्सी थी प्रेसीडेन्सी मैंने राज्य बिग बिग स्टेट बॉम्बे प्रेसीडेन्सी थी मद्रास प्रेसीडेन्सी थी आ बेंगल प्रेसीडेन्सी थी ये आक्ट रे कौन है 1773 रेगुलेटिंग आक्ट रे बॉम्बे प्रेसीडेन्सी एंड मद्रास प्रेसीडेन्सी केम अंडर बेंगल प्रेसीडेन्सी दैट मीन्स यू कैन से नाउ बेंगल प्रेसीडेन्सी इज मोर पावरफुल इन रेस्पेक्ट ऑफ मेकिंग लॉज रूल्स रेगुलेशन एंड बॉम्बे प्रेसीडेन्सी यू कैन से मद्रास प्रेसीडेन्सी बिकेम सबॉर्डिनेट टू बेंगल प्रेसीडेन्सी बेंगल प्रेसीडेन्सी तले सबॉर्डिनेट है किए मद्रास आउ बॉम्बे प्रेसीडेन्सी क्लियर है ये थी आप रेगुलेटिंग आक्ट 1773 मुझे बुझेदेली जोटा न बुझी पारे आरंभ रु ये वीडियो को देखिए शुणी आराम से हम मु नंबर भी देखिए आप व्हाट्सअप करें संपर्क करें कि असुविधा ना बुझे एम कथा पीड्स इंडिया आक्ट क्या विषय कथा पीड्स इंडिया आक्ट देखो ये जो पीड्स इंडिया आक्ट 1784 है यार ना कहीं पीड्स इंडिया आक्ट है आग बुझे मुझे कौ सब बुझे ये पीट्स इंडिया आक्ट हबार कारण हूँ विलियम पीट जी थे से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे आम सब जमी प्रेस्टीज दवापाई महात्मा गांधी गोपबंधु दास जवाहरलाल नेहरू बा सरदार पटेल ना सब स्कीम करा हाँ कि ना तो आक्ट से भाया से भाई ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर ना गोटे आक्ट पास कर ना हूँ पीट्स इंडिया आक्ट आप पीट्स इंडिया आक्ट हबार कारण कौन रेगुलेटिंग आक्ट कल 1773 दस वर्ष जाए तुम पीड्स इंडिया आक्ट कहीं हम कारण कौन अरे बाबा 1773 जो रेगुलेटिंग आक्ट था से भी तो किसी डिमेरिट थिला किसी लूप होल्स थिला ताकु ठीक करने विलियम पीट जो प्राइम मिनिस्टर थे गोटे आक्ट नहीं आसल ना विलियम पीट्स आक्ट और पीट्स आक्ट ये कौन कराला दुईटा बड़ कथा कराला गोटे बड़ कथा कराला कौन कराला गोटे नुआ बॉडी क्रिएट कराला जहाँ ना हूँ बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से बॉडी ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो क्रिएट कराला तार काम है से पॉलिटिकल अफेयर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स माने शासन कथा बुझ न्यू पोस्ट कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज क्रिएटेड अंडर पीट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिटिकल